हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रसायन दुनिया। सो इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू लैपटॉप का अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने आज ही मंगाया है। मैंने अमेजोन से मंगाया है, ऑनलाइन मैंने मंगाया है, लेनोवो का लैपटॉप है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन कंपनीज है इनमें कई बार फ्रॉड भी हो जाता है, सो दैट आई वॉज थिंकिंग दैट कि हम ना इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लेते हैं, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अब ये वीडियो मैं चैनल पर क्यों अपलोड कर रही हूँ, तो इसके पीछे का भी रीजन है। देखिए, जब भी हमें कुछ नई चीज़ लेनी होती है ना, और वो भी इन द केस के हम थोड़ा सा कॉस्टली ले रहे होते हैं, तो उस वाले केस में ना हमें बहुत सोचना पड़ता है। सच बता रही हूँ कि मेरे को ये लैपटॉप लेने के लिए मतलब बहुत जगह से पूछना पड़ता है, इतने ज्यादा सर्च करना पड़ता है। क्योंकि वही है ना कि हम एक चीज सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमारा ना उनमें से डिसाइड करना वो काफी डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम इनमें से कौन सा चूज करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पर्पज से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों से पूछ के एंड खुद ने पूरा रिसर्च करके देन मैंने लास्ट में ये वाला लैपटॉप सिलेक्ट किया था। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि हैं इसमें, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहले इस बॉक्स को खोल लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या, कहीं लैपटॉप एक्सपेक्ट करके बैठे हों और खोल के देखे तो कुछ और ही निकले इसमें से, ठीक है। अनबॉक्सिंग का मेरे को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ऑनलाइन पहली बार ऐसा कुछ मंगाया है, इलेक्ट्रिकल कोई भी एक्सेसरी मैंने पहली बार मंगाई है, वरना जनरली बस वही शॉपिंग वॉकिंग तो वो तो सबकी चलती रहती है, बट मेरा पहला प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन जो कि मैंने मंगाया है। इतना बोलने तो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, बट ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट ये काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए देखिए मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग है वो करके दिखा देती हूँ, देखते हैं सबसे पहले तो इसमें निकलता क्या है, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग मुझे अच्छे से करनी नहीं आती है, क्योंकि ये कोई टैक चैनल नहीं है और मैं कोई टैक वीडियोस बनाती भी नहीं हूँ। बस मेरा यहाँ से आप लोगों को दिखाने का यही मेन मोटिव है कि यदि आप लेना चाहो तो ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, बस यही मोटिव है। बाकी यहाँ से अनबॉक्सिंग का कोई वो नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, नहीं, वो बिल्कुल भी माइंड में थोड़ी मत लेके आना, क्योंकि मेरा कोई टैग चैनल नहीं है। बस मैंने ये सोचा कि चलो मैंने कुछ लिया है तो वो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि वही ना कि लैपटॉप आज के टाइम में काफ़ी आम चीज़ है जो सभी को चाहिए होती है। तो यदि आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये बॉक्स हो गया ओपन। मेरा कैमरा भी बताने सही से सेट हुआ है नहीं हुआ है, ये तो बताने में लोगों ने कैसे डाल के दिया है, इसीलिए पता मैं ये वाला सोफ़ा लेके बैठी थी कि मैं इसका जो पूरा जो भी चीज़ें होंगी ना वो निकाल निकाल के साइड में रखती हूँ, ठीक है। चलिए, एक बॉक्स तो हमारा ओपन हो गया है, इसे चलिए मैं साइड में थोड़ा हटा देती हूँ, अदरवाइज तो वीडियो में गंदा ही लगेगा। अब इसे कहाँ से खोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे कहाँ से ओपन करूँ। ये आई थिंक यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से लेनोवो का है मेरा लैपटॉप ये, ठीक है। तो चलिए, ये हो रहा है ओपन। देखते हैं क्या निकलने वाला है इस बॉक्स में से, है तो लैपटॉप ही, चलो जो एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ निकल के आ रही है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है ये, क्योंकि मुझे लाइट वेट लैपटॉप ही चाहिए था। ये देखिए, मैंने इसका पॉलीथीन हटा दिया है एंड चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, बिल्कुल हल्का सा है ये। इसका जो वेट है ये है 1.6 kg इसका वेट है, यानी कि 1 kg 600 g का है ये लैपटॉप। और यहाँ से यदि मैं इसका ये हटाऊँ, ये मैं हटा देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है दिखने में और काफ़ी लाइट वेट भी है। और इसका कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रे कलर का है ये, और बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल ऐसे नोटबुक जैसा लग रहा है, ठीक है, नोटबुक तो ऐसे काफ़ी हैवी होती हैं। तो ये है अपना ऐप लेनोवो का न्यू लैपटॉप एंड यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ ओपन, ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा है, इसे ओपन होना चाहिए था, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें क्या है ऐसा कुछ, लेकिन ये ओपन हो नहीं रहा है। क्या चीज़ थी, अमेजोन वालों ने मेरे को पता नहीं ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, ना तो ओपन तो होना चाहिए, बैटरी बैकअप तो इतना इनमें आता है, ये चार्जेस होते हैं कि ये
इन्हें कोई प्रोसेस करे तो ये चार्ज हो, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ये तो मुझे टेंशन लग गई है कि क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ये इसकी है चार्जर है, ठीक है, ये इसका चार्जर है, इसमें और कुछ नहीं है। ये बॉक्स पूरा खाली है, लेकिन टेंस्ड बिकॉज ये ओपन नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ बॉक्स हैं, बिल वगैरह हैं, ये हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इसके ये बिल्स हैं जो कि मैं बता दूंगी, इसका प्राइस भी बताऊंगी अभी आपको मैं कि ये कितने का आया है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। तो ये चीज मुझे थोड़ी टेंशन दे रही है, सो दैट एक बार मैं इसे चार्ज में लगा के देखती हूँ कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। इसे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, ऑन क्यों नहीं हो रहा। सॉरी, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया, ऑन नहीं हो रहा गाइस, ये नहीं हो रहा अभी। ये तो कुछ और ही ट्राई करते हैं, पहले एक बार मैं इसे चार्जिंग में लगा के देखती हूँ, सो दैट क्या पता ये हो जाए चार्जिंग में लगाने के बाद हो जाए, अदरवाइज तो मुझे कुछ इसमें अच्छा सा लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये मंगाया है। और उसके बाद यदि ये ओपन नहीं हो रहा तो फिर सोच सकते हो कि कैसा लग रहा होगा मुझे इस टाइम पे, मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टेंशन वाला मोमेंट है मेरे लिए। एक तो मैंने कभी अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाई नहीं है, उसके बाद मैं पहली बार कुछ ऐसा कर रही हूँ, उसमें भी ये मेरे साथ निकल के आ रहा है कि ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी कहाँ से कैसे क्या लगेगा मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसका। ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, एंड देन मैं इसे चार्ज में लगाती हूँ, क्या पता आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा चार्ज में लगाने के बाद, होप सो ये हो जाए ओपन। सो मैं बस जस्ट इसे चार्ज में लगा के देखती हूँ कि ये ओपन हो रहा है या नहीं। ओके, सो मैंने इसे चार्ज में लगा दिया है, अभी मैं इसे ऑन करके देखती हूँ ये हो जाता है क्या। हाँ, हो गया, ये ऑन हो रहा है फाइनली, ये ऑन तो हो रहा है। अभी इसकी स्क्रीन पे कुछ आया नहीं है, हो रहा है ऑन, फाइनली ऑन तो हो रहा है ये, एटलीस्ट देखो ये हो गया है ये ऑन। लेकिन ये बिना चार्जिंग के ऑन क्यों नहीं हो रहा था, ये तो कुछ गड़बड़ मेरे को इसमें लग रही है, देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए तो ये ऑन हो रहा है, तब तक मैं बिल दिखा देती हूँ आप लोगों को इसका, कितने का है बिल। बिल मैं आप लोगों को दिखाऊं, बिल ना इसमें जो अमाउंट है वो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, आपको बहुत जूम करके देखोगे ना तो भी नहीं दिखेगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लिया है क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये नहीं हो रही चीज पर, मुझे ऑफ करना पड़ेगा, बंद हो जा नहीं, ये पूरा सुना के बंद करेगी। मैं इसका वॉल्यूम है वो कम कर देती हूँ, इसे चलने देते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो प्राइस है वो मैंने लिया है ये 62,990 रुपीज में, यानी कि हम बोलें तो बोल सकते हैं कि 63,000 में मैंने ये लिया है, ओनली 63,000 में मैंने ये लैपटॉप है ये लिया है। काफी सस्ता है, काफी अच्छा है, काफी लाइट वेट है, एंड आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है दिखने में। मुझे काफी अच्छा लगा है ये, क्योंकि मैंने पहले भी इससे, मैं बोल रही हूँ कि मैंने काफी रिसर्च की है, मैंने काफी लोगों से पूछा है, मेरे फ्रेंड से पूछा है, देन मैंने फाइनली ये वाला लैपटॉप है ये सिलेक्ट किया था और ये काफी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और इसकी जो रैम है वो है 8 GB, और यदि मैं बात करूँ स्टोरेज की तो इसका जो स्टोरेज है वो है 512 GB इसका SSD है, ठीक है, 512 GB SSD है। विंडो इसका 10 है, एंड जो प्रोसेसर है वो है इसका कोर i5, ठीक है। i7 वाला मैंने नहीं लिया है, i7 प्रोसेसर है वो भी है मार्केट में, बट मैंने i7 वाला नहीं लिया है, मैंने i5 प्रोसेसर का लिया है, बिकॉज मेरा जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। i5 प्रोसेसर है एंड 11th जनरेशन है ये, ठीक है। और इसका वेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये काफी लाइट वेट है, 1.6 kg इसका वेट है। सो यदि आपको ये लैपटॉप पसंद आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा लैपटॉप है। और इसका जो अमेजोन का लिंक है आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो के। और हाँ, बस मुझे यही दिखाना था आप लोगों को कि ये मैंने आज ही लिया था,
एंड साथ में एक चीज और बतानी थी कि मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जनरली यदि हम बात करें तो मेरा जो चैनल है, या फिर हम बोलेंगे हमारा जो चैनल है, उस पर हम कौन से वीडियोज अपलोड करते हैं, स्टडी रिलेटेड ही करते हैं, बट लैपटॉप है वो आज के टाइम पे स्टडी से रिलेटेड ही है, सो दैट मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि स्टूडेंट्स की काफी हेल्प हो जाएगी। यदि आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए, ये वाला वीडियो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, सो दैट आपको बहुत जगह भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए इस टाइम पे यदि हमें कुछ लेना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं। मैंने भी बहुत सर्च किया, मैंने बहुत माथा पच्ची की है, देन लास्ट में मुझे कहीं जाके ये मिला है, ठीक है, तब मैं जाके कहीं फाइनल कर पाई। मिलने को तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन हम फाइनलाइज नहीं कर पाते एंड मोमेंट तक कि हमें क्या लेना है, क्योंकि मार्केट में एक से एक चीजें हैं तो आप नहीं फाइनलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये ऑनलाइन क्यों लिया है, क्योंकि मेरी लोकेलिटी का जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं राजस्थान से हूँ, एंड राजस्थान के भी मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे आसपास में यदि मैं बात करूँ तो कोई शोरूम नहीं है। यदि मैं इसे लेने जाती हूँ शोरूम से, ठीक है, शोरूम से लेने जाती हूँ, तो मुझे इसके लिए एटलीस्ट गुड़गांव या फिर रेवाड़ी जाना पड़ेगा, जो मेरे यहाँ से 3 या 4 घंटे के डिस्टेंस पे है, सो दैट मैंने इसे ऑनलाइन लेना प्रेफर किया। ऑनलाइन में भी ये मुझे घर पे तो नहीं मिला, तो मैं अमेजोन को भी ये चीज जो है ये सजेशन देना चाहूंगी कि गांव में भी यार डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल कराओ। ये मुझे घर पे नहीं मिला है, ये मेरे गांव से थोड़ा सा दूर है एक गांव, वहां तक डिलीवरी होती है, तो मैंने पहले वहां पे रखा है, देन मैं शाम को इसे जाके लेके आई हूँ, एंड अभी नाइट में मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसे देखा भी नहीं था, आपके सामने ही देखा है, मैं 4 घंटे से इसे घर पे लाके रख रखा है, मैंने 4 घंटे से लेके रख रखा है, लेकिन मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया था। मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि चलो क्या लिया। तो ये छोटी सी चीज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। यदि आपको पसंद आता है तो, यदि आपको लेना है, ठीक है, लेना है तो आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं, काफी अच्छा लैपटॉप है, ठीक है। अभी ये वर्क कैसा करेगा वो मैं आगे की वीडियोज में बता दूंगी, ठीक से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, क्योंकि 7 डेज का इसका रिप्लेसमेंट भी है, 7 दिन तक यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर मैं इसे एक्सचेंज या फिर रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो होता है ऑनलाइन में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अदरवाइज तो ऑनलाइन से शॉपिंग करना काफ़ी भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का पर्पस। अपना कोई टैग चैनल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैं सॉरी कहूँगी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं एजुकेशनल चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा टैग रिलेटेड है, जो नहीं करना चाहिए था आई थिंक मुझे, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये भी शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी और कोई मेन पर्पज यहाँ से था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश की है। ये चुप हो गया है, अभी भी लगा हुआ है? नहीं, अभी भी लगा हुआ, कुछ कुछ बोल रहा है, इसे बोलने देते हैं, ये सब मैं बाद में देख लूंगी। और ये कैसा काम करेगा ये मैं फर्दर इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। सो प्राइज मैंने बता दिया था ना, अगेन बता रही हूँ, यदि ओवरऑल बोलूँ तो 63,000 का मुझे ये पड़ा, ठीक है, सिर्फ 10 रुपीज़ कम रहे हैं, वो 10 रुपीज़ का तो मैं क्या ही करूँगी, 10 रुपीज़ में तो कुछ नहीं होने वाला होता, ठीक है। तो ये मुझे पड़ा है 63,000 का जो कि मुझे मिला है यहाँ पे आके। ओके, सो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट तो अपना फिर से वही, मैं ग्रीन स्क्रीन के पीछे दिखूंगी, मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन ही होता है ऑलमोस्ट वीडियोज में, कभी कभी मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वीडियो बनाने। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में, फिलहाल तो अलग-अलग चल रहा है तो उसी में मिलेंगे, ठीक है। और बस हो गया, इससे ज्यादा क्या बोलूँ, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अगेन बता रही हूँ कि अनबॉक्सिंग वगैरह का मेरा कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो बस मैं कोई दिखाना था सब दिखा दिया। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।